फ्री मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वाटरप्रूफ बेस बनाना सिखाऊंगी और अब आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड पे आज मैं यूज करूंगी क्राइलॉन की कॉपी प्रोडक्ट्स तो वीडियो गौर से देखिएगा छोटे छोटे हैक्स को यूज करके फ्लॉलेस लुक आपने कैसे लेनी है ये सारा आपको गाइड करूंगी प्रोडक्ट डिटेल भी आप लोगों को दूंगी बेस फटती क्यों है बेस पैची क्यों हो जाती है बेस ड्राई क्यूँ हो जाती है ये सब कुछ भी आप लोगों को गाइड करना है तो जनाब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें स्किन प्रेपरेशन भी करेंगे तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ले ताकि क्लास नंबर फाइव स्टार्ट की जाए तो स्किन प्रेपरेशन में गर्मियों में आपने करना यह है कि क्लेंजिंग करने के बाद आप टोनर का स्प्रे करेंगे अगर आपके पास टोनर नहीं है तो इसकी जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा स्किन को ऑयल फ्री कर देगा और उसके बाद बेस जो है वो बहुत अच्छी फिक्स हो जाएगी तो गर्मियों में टोनर का स्प्रे लाजमी है सिंपल सी क्लेंजिंग करें अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड क्लेंजर यूज करना है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने क्रीमी क्लेंजर यूज करना है यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आज मैं यूज करूंगी ये कॉपी प्रोडक्ट है क्राइलॉन की जो कि आप लोगों को मैं लिंक्स भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं क्योंकि क्रायलॉन बहुत महंगा हो गया हुआ है और इसको परचेज करना अफोर्ड करना अब बहुत मुश्किल है तो आप लोग मुझे बार बार ये कह रहे थे कि क्रायलॉन की कॉपी प्रोडक्ट्स के साथ बेस बनाना सिखाएं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप काम चला सकते हैं सबसे पहले जी यहाँ पे मैं टोनर का स्प्रे कर रही हूँ मॉडल की स्किन पे क्लेंजिंग मैं कर चुकी हूँ स्प्रे करने के बाद आपने एक मिनट का रेस्ट देना है स्किन को ताकि टोनर जो है वो एब्बॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से स्किन पे उसके बाद जी हम अपनी बेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहला स्टेप है कंसीलिंग कंसीलर के शेड आप लोगों को बता चुकी हूँ बेस के शेड चार्ट आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत सारे शेड चार्ट जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं वो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये इस वक्त जो दो बेसिस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये क्राइलॉन की कॉपी बेसिस हैं एक है जी थर्टी सिक्स और एक है आइवरी अब आप जरा मॉडल की स्किन देखें जिस पे कंसीलिंग की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्रिक कर रही हूँ कि अगर मैं कंसीलिंग करती चाइनीज के साथ तो उसके बाद मैं बेस यूज करती थर्टी एट लेकिन यहाँ पे मैंने बेस यूज़ की है पूरी स्किन पे मैंने अप्लाई कर देनी है थर्टी सिक्स जो कि डार्क बेस सांवली रंगत की बेस है और मॉडल की स्किन भी सांवली और दरमियानी जो गंदमी रंगत है उसके दरमियान में है तो मैंने क्या किया मैंने थर्टी पूरे फेस पे लगा देनी है कंसीलिंग की इतनी खास जरूरत नहीं थी लेकिन जो थी भी वो इसके साथ कवर हो जाएगी और सेंटर वाला शेड 38 खुद खुद ब बन जाएगा इस बात को समझने के लिए बेस चार्ट जरूर देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर आप लोगों को मैं दिखा रही हूं। इसको यूज करने का तरीका यह है कि जब आपने मेकअप स्टार्ट करना है इसको आपने पानी में डिप कर देना है तो ये साइज में डबल हो जाएगा उसके बाद आपने इसको स्क्वीज कर देना है स्क्वीज करने के बाद आपने इसके साथ ब्लेंडिंग करनी है आपका ये क्वेश्चन क्या आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर स्पंज वेट करके यूज करती हैं क्या बार बार वेट करती हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं जब मेकअप स्टार्ट करती हूँ उस वक्त वेट करती हूँ बार बार वेट नहीं करती हूँ हाँ लेकिन जब आपने पैनकेक यूज करना है तो आपने इसको दोबारा वेट करना होता है अदरवाइज़ बेस की ब्लेंडिंग के लिए आपने इसको बार बार वेट नहीं करना जस्ट स्टार्ट में आपने वेट करना है और आपने पूरा मेकअप इसके साथ कर लेना है टैप टैप करके मैंने बेस बनाई है एफ एस थर्टी एट के लेवल पे मैं अपनी स्किन को लेके जाने के लिए यहाँ पे अब यूज़ करूँगी आइवरी यानी थर्टी सिक्स यूज़ किया और आइवरी यूज़ किया तो सेंटर वाला शेड बन गया थर्टी सिक्स यूज़ करने का मकसद आप लोगों को बता दिया एक तो कंसीलिंग हो गई दूसरी मैं ऊपर जो बेस यूज़ करूँगी वो आइवरी यूज़ करूंगी जिससे मेरी जो मॉडल की स्किन की बेस है थर्टी एट वो बन जाएगी तो आप ये देखें पूरे फेस पे मैंने एप्लीकेशन कर दी है आइवरी की और इसको भी मैंने टैप टैप करके ब्लेंड करना है रगड़ना नहीं अगर आप है तो आपकी बेस क्रैक करती है या, फटती है या पैची होती है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी बेस ग्रे होती है ऑयली स्किन को आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है आपने करनी है स्किन पे आइसिंग एक आइस क्यूब लेके और आप स्किन पे आइसिंग कर सकते हैं उसके बाद टोनर स्प्रे करें उसके बाद आप बेस तो बेस गर्मियों में छे घंटे आराम से निकाल जाती है चले जी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी अब मैंने पेनकेक लगाना है और बेस को हाई कवरेज देता है अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं फिर इसको लाजमी यूज करें गर्मियों में चाहे गर्मियों में चाहे सर्दियों में लेकिन गर्मियों में इसका यूज बहुत जरूरी है ये आपकी बेस को पक्का वाला वाटर प्रूफ कर देता है और आप लोग कल एक क्वेश्चन आया था कि समर स्पेशल बेस बताएं समर स्पेशल

एकदम से बेस नहीं बन जाती है बेस को आपको स्किन के ऊपर बिठाना पड़ता है यह स्टेप हो गया अब बारी आती है 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 जी लूज की। लूज पाउडर पाउडर की यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तो आपकी बेस बेस को को पैक कर देता है। ये भी वाटरप्रूफ बनाने में मदद करता है ऑयली स्किन के लिए यह बहुत ही जबरदस्त चीज है गर्मियों के लिए यह बहुत जबरदस्त चीज है और यह भी क्राइलॉन का कॉपी लूज पाउडर है जिसका शेड है जी आइवरी या लाइट शेड भी आप इसको बोल सकते हैं दो शेड आप लोगों को उस लिंक से मिलेंगे एक डार्क और एक लाइट तो लाइट शेड ले लीजिएगा और जो डार्क शेड है वो मीडियम स्किन टोन को बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त रहेगा यानी जो डार्क स्किन टोन वाले हैं वो डार्क वाला शेड ले लें और वरना इसी के साथ आप सारी स्किन टाइप्स और स्किन टोन जो हैं वो कवर कर सकते हैं आपने क्या करना है जी आपने पूरे फेस पे लगा देना है इसको ब्रश के साथ और डस्ट आउट करना है लूज पाउडर लगाते हुए आपने डरना नहीं है ये बिल्कुल इजीली डस्ट आउट हो जाता है स्किन में बहुत ज्यादा टेक्सचर नहीं देता है इसका कोई बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होती है कवरेज होती है जी फेस पाउडर की देखें यहां पे मैंने पहले स्टिक लगाई पहले स्किन प्रपरेशन की स्टिक लगाई पेन केक लगाया उसके बाद मैं यहां पे दे रही हूं जी लूज पाउडर लूज पाउडर भी बेस को ग्रिप दे रहा है बेस को फिक्स कर रहा है और जब आप इस तरह से बेस बनाएंगे ना स्टेप्स के साथ तो आपकी बेस कभी भी क्रैक नहीं करेगी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपने क्रीम बेस यानी कि स्टिक बेसिस का यूज ज्यादा करना है और आपने पेन को फिर स्किप करके लूज पाउडर और फेस पाउडर बहुत अच्छे तरीके से देना है ताकि आपकी बेस जो है वो वाटरप्रूफ प्रूफ हो जाए ऑयली स्किन के लिए या जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है स्वेट प्रूफ बेस बनाने के लिए आपने पेन केक को यूज़ करना होता है और जी मैंने लूज़ पाउडर पूरे फेस पे लगाने के बाद जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था ना दोबारा वेट नहीं किया उसी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्किन पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है अब मैं स्किन पे फेस पाउडर भी दूंगी फ़ेस पाउडर में और लूज़ पाउडर में फ़र्क ये होता है कि फेस पाउडर जो है वो आपकी स्किन को थोड़ी सी कवरेज देने के साथ साथ काम लूज़ पाउडर वाला ही करता है यानी बेस को फिक्स करता है बेस को वाटरप्रूफ बनाता है लॉन्ग लास्टिंग करता है और मैट फिनिश देता है लेकिन थोड़ी सी कवरेज भी देता है लेकिन जो लूज़ पाउडर होता है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो कवरेज दिए बगैर काम करता है हाँ बहुत किसी अच्छे ब्रांड का अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर वो आपको लिटल बिट कवरेज भी देता है अब आप ये देखें कि बेस कितनी अच्छी पक्की और वाटर लग रही है स्किन के साथ एडजस्ट हो गई है मॉडल की स्किन सांवली थी और मैंने स्टेप बाय स्टेप जब बेस बनाई है तो बेस कहीं से भी नहीं लग रही है कि ये मैंने डार्क स्किन टोन पे थोड़ी लाइट बेस कर दी है मैं आईब्रोज की शेपिंग थोड़ी सी कर रही हूं ताकि आप लोगों को लुक समझ आ जाए बेस की और ये जो कंप्लीट लुक है ना ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में सिखाऊंगी तो क्लास नंबर फाइव में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वाटरप्रूफ बेस बनाना सिखाई है क्राइलॉन की कॉपी प्रोडक्ट्स के साथ जिसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ओरिजिनल और कॉपी स्टिक बेस में फर्क ये है की जो कॉपी है वो थोड़ी सी ज्यादा ऑयली है ओरिजिनल इतनी ऑयली नहीं है तो अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है तो इस चीज को भी आप हैंडल कर लेंगे उम्मीद करती हूँ की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी दुआओं में याद रखिएगा जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज